it a mouse, cause I'm an albatross. सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज मेरा कोई ब्लॉग का मूड नहीं है, मैं सिर्फ आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जो मेरा ब्लॉगिंग सेटअप है वो आपसे शेयर करने वाला हूं, कुछ आपको टिप्स दूंगा ब्लॉगिंग के बारे में, हालांकि मुझे इतने खुद नहीं आती मगर मैं जितने मेरे एक्सपीरियंस है अभी तक का वो आपसे मैं शेयर करूँगा। वो अगर कोई मतलब बनना चाहता है ब्लॉगर, यानी कि कोई इंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए कुछ टिप्स होंगी। और मैं अपना ब्लॉगिंग सेटअप जो है मेरा, जो मतलब जो मैं ट्राइपॉड कौन सा यूज़ करता हूँ, माइक कौन सा यूज़ करता हूँ, कैमरा, मोबाइल, ये सब चीज़ डिटेल से आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको हर चीज़ शेयर करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैं मोबाइल कौन सा यूज़ करता हूँ। तो आई थिंक मेरा मोबाइल जो है, आई थिंक नहीं बल्कि है ही मेरा नोट 7 मोबाइल है मेरा, इन्फिनिक्स का है, नोट 7 है। तो ये सिर्फ डब्बा मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो अभी वीडियो बन रही है तो वो सिर्फ मोबाइल से बन रही है। तो इन्फिनिक्स नोट 7 अगर आप, मेरा तो ये मोबाइल है, इससे मैं बनाता हूँ। अगर आपके पास जो भी फ़ोन है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको व्लॉगिंग में मज़ा आएगा। मतलब आप स्टार्टिंग में, आप व्लॉगिंग में आप फ़ोन बेस्ट रहता है, कोई कैमरा जरूरी खरीदने की जरूरत नहीं होती। तो उसके बाद जो माइक है, माइक आगे जल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ट्राइपॉड यूज़, तीन चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ बस। और उसके बाद एक एडिटिंग ऐप है, वो भी आपको बताऊँगा आगे जाके। और एक और चीज़ है वो भी आपको बताऊँगा। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये मैं यूज़ करता हूँ बोया, ये आई थिंक बोया का है, बोया M1 का है, ठीक है। ये माइक है जो मैंने रिकॉर्ड में लगाया हुआ है। ये मैं कहता हूँ व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन, अगर आप ये लें तो इससे व्लॉग स्टार्ट करें तो आपकी जो वॉइस कैंसलेशन होगी वो बहुत अच्छी करता है ये। और आप पब्लिक में जाएं तो वहाँ भी आपको शोर वगैरह नॉइज़ होती है उसको कम करता है। इसकी जो प्राइस है वो आई थिंक 1500 है, यानी कि 1500। ये आपको मार्केट्स में डिस्काउंट का 1400 में मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी अच्छा माइक है। एक और भी है वो है M1, ये सिर्फ M1 है, ठीक है। तो एक और होता है MM1 होता है, वो काफ़ी मतलब उसकी रेट प्राइस ज़्यादा होती है, वो मिलता है आपको 4000 का। हाँ जी, तो ये है मेरा ट्राइपॉड, ये मैं यूज़ करता हूँ आमतौर पे। ये मुझे मिला था 700 का। तो ये भी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी ये इसकी लंबाई काफ़ी बड़ा है, इसकी जान से खुल जाती है ये चीज़ें, ये देखते हैं आप, ये चीज़ खुलती है। और ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है बंदे के लिए, कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल तो लगाएं और ये आपका वो होता है माउंट होता है, इसको उतार के मोबाइल खींचेंगे तो मोबाइल तो लग जाएगा। तो ये चीज़ है भाई मेरा व्लॉगिंग सेटअप है। तो भाई सबसे पहली टिप ये है कि आप हमेशा व्लॉग स्टार्ट करना है तो आप मोबाइल से स्टार्ट करें, और आप ट्राईपॉड भी बिल्कुल ना लें, ये सबसे पहली टिप है। क्योंकि आप जब भी बाहर जाते हैं तो ट्राइपॉड इतना बड़ा होता है और आपको देखते हैं, फिर आप लोग काफ़ी फोकस करते हैं आपका, कंफ्यूज रहते हैं ब्लॉग में, तो आप सीधा मोबाइल लें, सिर्फ जो भी मोबाइल आपके पास 1080 में जो रिकॉर्ड करता है वीडियो, ठीक है, उसको आप लें और स्टार्ट कर दें। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि आप जब भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो आपने कंसिस्टेंस रहना, यानी ये अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। एक दिन के बाद व्लॉग डालना है, तो दो दिन के गैप के बाद हमें ज़रूर व्लॉग डालना है। ये नहीं भी आप 4 दिन लगा दें, 5 दिन लगा दें, 10 दिन लगा दें, ये नहीं, 2 दिन के बाद आपने व्लॉग जरूर डालना है और आपने सही बेहतरीन व्लॉग अपलोड करना है। तीसरी जो टिप है आपके लिए वो ये है कि एडिटिंग आप अभी अच्छी करें, आप म्यूज़िक लगाएं अच्छा सा, आप म्यूज़िक आप डाउनलोड कर लें, फ्री कॉपीराइट मिल जाता है ऑडियो लाइब्रेरी से, उसके बाद मिल जाता है कि NCS से मिल जाता है आपको, NCS वाले बहुत अच्छे मतलब म्यूज़िक होते हैं, बस आपको उसको उनका क्रेडिट देना होता है, अभी मैंने इनका म्यूज़िक यूज़ किया, अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है भाई ये NCS का म्यूज़िक है। और जो ऐप है यानी कि जिस पे मैं एडिटिंग करता हूँ वो है काइंड मास्टर, मोबाइल के लिए बेस्ट है, व्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऐप है, तो आप वो इस्तेमाल कीजिए और आपका व्लॉग इंशाल्लाह हिट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में।